ओम शांति तो सारी सीजन में आज क्वेश्चन आंसर चला है सारी सीजन में ये सब कुछ मिस किया है पर ये बात मिस हुई है पर बाबा कहता है कुछ मिस नहीं होना चाहिए तो समझा समझा मेरी परीक्षा आएंगी अभी देखें न पास होती हूँ यहाँ बाबा क्रीम बड़ी अच्छी लगती थी क्रीम फ्रेश अच्छे अच्छे तो सारे ओम शांति भवन में जब आते हैं ना तो बाबा के ओम शांति भवन में सबने कैसे वरदान पाए है ना कितनी सुंदर सुंदर सीन इमर्ज हो जाती है ना ऐसी है ना अच्छा पूछो बहन जो भी कुछ ना हो ओम शांति वास्तव में देखा जाए तो बाबा ने हमको सब कुछ सुनाया हुआ है और हर प्रकार से ज्ञान सुनाया हुआ है और हर प्रकार से गहराई भी बताई हुई है लेकिन हम देखते हैं कि अगर हमारी बुद्धि को ठीक तरह से चलाना सीखना हो या बुद्धि की गहराई इस प्रकार से चले ताकि हमको अपने पुरुषार्थ में मदद मिले इस बात में मैं समझती हूँ दादी ने हम सबके जीवन में विशेष पाठ बजाया है दादी ने खास हमको इस बारी मधुबन में बुलाया तो हम जब पहुँचे तेईस तारीख को तो उसी दिन दादी चली गई तो मैंने दादी को कहा कि दादी हमको आप बुला के आप चले गए और पांच दिन दादी नहीं थे तो ऐसे सचमुच लगा कि दादी को मिस किया खास इसलिए कि हमेशा दादी को पता होता है कि हम सब को अपने पुरुषार्थ में क्या चाहिए और किस प्रकार से हमको अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है तो इसमें दादी से हमको बहुत मदद मिलती है तो मैं तो ये इंटरव्यू नहीं कहेंगी प्रश्नोत्तर भी नहीं कहेंगी लेकिन जो भी मैं पूछेंगी उसमें खास इस हिसाब से कि अपने पर्सनल खुद के पुरुषार्थ में मैं दादी से कैसे मदद लूं और कैसे मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले थैंक यू तो सबसे पहले जब मैं एक मास पहले मधुबन में थी तो उस समय दादी ने इस बात पर प्रेरणा दी थी कि कैसे हम अपनी बुद्धि को बहुत ज्यादा यूज करते हैं अगर हम अपनी बुद्धि को जरूरत से ज्यादा यूज करते हैं तो हमारा योग नहीं लग सकता है हमारा योग नहीं लग सकता है ठीक बात ठीक है और उसमें भी हम ये बात? ये बात ठीक है या नहीं अगर, अगर बुद्धि को ज्यादा यूज करते हैं तो योग युग तो नहीं रह सकते है। ऐसे है सभी यस नो हाँ यस 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 थैंक यू अच्छा तो उसमें हम हमेशा समझते हैं कि मैं पर्सनल अपनी बात करूँ तो मैं समझती हूँ कि मैं अपनी बुद्धि इतनी होशियार नहीं है इसलिए मैं अपनी बुद्धि इतनी यूज़ नहीं कर सकती हूँ लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि कभी भी कोई भी बात में अगर हमारी बुद्धि चलती है कि ये क्यों ऐसे ये कैसे इसने ऐसे क्यों किया ये ऐसे नहीं करते तो ऐसे होता ये भी बुद्धि को जरूरत से ज्यादा यूज करना हुआ अगर बुद्धि को इस प्रकार से यूज करते हैं तो भले हम कहें कि हम योग में बैठते हैं तो वास्तव में योग में योग लगा नहीं है तो बुद्धि को उस समय दादी ने कहा बुद्धि को भावना वाली बनाना तो भावना वाली बुद्धि माना क्या बुद्धि तो बुद्धि होती है ना बुद्धि में भावना थोड़ी होती है भावना दिल में होती है ना अच्छा। तो बुद्धि भावना वाली माना क्या तो क्वेश्चन है आपका अच्छा शॉर्ट में आंसर दो तो अच्छा है ना वेरी शॉर्ट वेरी शॉर्ट और दादी किसी ने ये भी बताया कि आप बहुत गहरी गहरी बातें होती है ना तो थोड़ा धीरे से समझने में टाइम लगता है हमारी बुद्धि को तो आप जब बोलो ना तो थोड़ा धीरे से स्पीड नहीं।, नहीं बहुत स्पीड स्लो हो हाँ शार्ट हो हाँ तो भरे तो बेरे टीचर आप हैं नहीं नहीं दादी <laughs> एक सेकंड साइलेंस में जाओ सेकंड भी मिनट भी नहीं हाँ। मेरे मीठे बाबा ने पहले भी शुरू में भी कहा था अभी भी कब का मोली में आता है सेकंड में जीवन मुक्ति तो मैंने खुद ही बाबा को कहा था बाबा सेकंड में जीवन मुक्ति तो फिर बाबा ने अनुभव कराया कोई भी ऐसी बात है सेकंड में अपने आप को फ्री कर दो इतना अच्छा ज्ञान समझ बाबा ने दी है तो बाबा ने दी है तो बाबा की दीवी समझ सेकंड में कोई भी बात सिफरी करती है यह अनुभव है अगर बाबा की सुनाई हुई बात पर बुद्धि नहीं चलाते हैं बुद्धि अपनी यूज करते तो मेरी बुद्धि हो गई तो मेरी बुद्धि में अपमान जरूर होता है वो देई अभमानी स्थिति में रहने का अंदर लगन नहीं है बुद्धि में ये बात हो ना मानी स्थिति में मुझे रहना है तो बुद्धि उस तरह से करेंगे दैय मानी स्थिति में क्यों रहूं क्योंकि बाबा से आज मुझे किसने पत्र लिखा है आज अभी भी थोड़ा मैं बाबा से बुद्धि से जानता हूं बताऊं मेरा बाबा कौन है पर जो संबंध से जो प्राप्ति है जो खुशी है ना वो मेरे को इस सवारी जरूर अनुभव करना है अब वो कैसे होंगे जब बुद्धि को बाबा कहता है बुद्धि को दे अभमान से छुरा करके दे अभमानी स्थिति में रहने का ध्यान रखो तो मैं जो तुम्हारा बाप हूं मैं जो तुम्हारा बाप हूं शिक्षक सतगुरु हूँ अनुभव होगा। बाप है दुधि है, तो क्या चलाओी है बाबा का बेबी है बच्चा है, अलबिला बच्चा नहीं हूँ समझदार बच्चा हूँ कल पहले वाला बच्चा हूँ बच्चा हूँ बाबा का शिक्षक तो वही शिक्षक है अच्छी शिक्षा अच्छी लगती है सतगुरु श्रीमत दे रहा है कुछ बुद्धि चलती नहीं है डल नहीं हुई है पर तो बुद्धि अच्छी रही है बाबा की दीवी बुद्धि अच्छा बाबा की दीवी बुद्धि अपने मेरी बुद्धि को बदल दिया तो बुद्धि बुद्धि अब मेरी नहीं है बाबा की दीवी बुद्धि मेरे लिए भी कल्याणकारी है और सबके साथ भी कर्म में संबंध में कल्याणकारी लेकिन दादी आप अच्छा जिस, जिस व्यक्ति सुनते चला रही हो। नहीं 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 <laughs> क्योंकि मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हो जिसने आपको पत्र लिखा है आ, उसके बारे में तो उस भाई ने मेरे को कहा कि मेरा परिवार है आ, बच्चा है आ, वाइफ है बिजनेस भी करता हूँ तो उसमें भी बुद्धि चलानी है तो आ, ये सब करते हुए भी और ये भी एक्यूरेट करना है और फिर भी है। कि जैसे बाबा मेरी बुद्धि को चलाए वो, वो कैसे मुझे पता चले कैसे मैं अपनी बुद्धि उसमें नहीं यूज करूं पहली बात मुख्य बात है अभी हम दिल्ली और ग्वालियर से होके आए हूँ दिल्ली में पुराने पुराने बाबा के बच्चे हैं बाबा के डायरेक्ट बाबा से पैदा हुए हैं ग्वालियर में जो हमारा भाई निमित्त है मैंने देखा है जो बाबा बाबा कहता है ना तो प्रवृत्ति में भी रहते हुए मेरापन को छोड़ा तभी कहा मेरा बाबा बच्चे और जाब भी इतनी अच्छी करते हैं और बुद्धि से जो बाबा ने जो बुद्धि दी है ना उस तरह से जो जाब है कहा किसके साथ संबंध में है तो साधारण लोगों के तरह से वो काम नहीं करता है जिनके साथ काम करता है वो भी उनको साधारण न समझ करके अच्छी ऊंची आत्मा समझ करके उसे प्राप्ति होती है ऐसे मेरे पास मिसाल है जैसे ये हमारे जैसे आप कहते हो जे हम हम ये भी चाहती हूँ ऐसे हमारे मिसाल जो हमारे बाबा डब्बल विश्व की इतनी महिमा करता है शुरू से लेकर के सारी मैमा की लिस्ट निकालो कितनी बाबा ने मैमा की होंगी क्योंकि सब कुछ करते हुए बाबा की बन के रहे हैं अच्छे मिसाल बन के रहे हैं ताकि विश्व सेवा में ऐसे बाबा के बच्चे मिसाल तो मिलता है जो अंदर से भावना है अभी तो तेरी भावना की बात भावना होती है दिल से दिल में सच्चा बाबा के लिए न सिर्फ बुद्धि से ज्ञान है पर दिल में बाबा से जो प्राप्ति है न प्यार है न उसकी बड़ी शक्ति है इतनी शक्ति है जो मुझे आत्मा को पर्सनल शक्ति जो मिलती है वो फिर जहां जो भी कार्य है जिस जहाँ निमित है फिर आता है निमित भाव घरे भले प्रवृत्ति में है तो भी निमित भाव से बाबा को मुझे निमित्त मिसाल बनाना है दुनिया को पता सिखाने के लिए प्रैक्टिकल दुनिया को मिसाल देने के लिए प्रवृत्ति में रहते हुए सच्चाई है सच्चाई है कोई ठगी नहीं है कोई किसके साथ धोखा नहीं खाया है ना धोखा देता है प्रेम है थोड़ा धीरज भी है वाला नहीं है जो खास खास आज के जमाने में नस्ल वैल्यूज चाहिए स्पिरिचुअलिटी है वो पावर जो है ना अनेकों को देह मान छुड़ा करके मेरे दैयमानी स्थिति से शिवा भी है और अपना जो बाबा से दिया हुआ खजाना है जिसके पास जो भी ड्रामा में पार्ट है मुझे ये ये एक ज्ञान की डीप बात है मैं बाबा के पास आई जो भी बाबा के पास भाई या बहन आया बाबा से कुछ पाया तो दिल से बाबा निकला पर तो लाइफ जितना भी पंद्रह साल है बीस साल है पांच साल है जितना साल हुआ है जितना बाबा से ले रहा है ना, उसकी शक्ति उसको चला रही है भले हमारे माफी रहते तेरे माफी रहे किसके माफी रहे जो भी ड्यूटी है जहाँ पर भी है वो अंदर से आत्मा परमात्म शक्ति लेकर के मानव समझ लेकर के जो बाबा हमारे से निर्मित पार्ट है उसमें ऐसी प्ले करता है जो न्यारा है बाबा का प्यारा है जहाँ है बुद्धि को सिर्फ न्यारे रहने की बाबा के प्यार शक लेने की शक्ति चाहिए और कुछ नहीं ये जो विधि है ना न्यारे हो करके प्यार लेना वो कभी मिस नहीं होनी चाहिए मतलब इनसे ये भावना है इससे ये भावना, भावना है। पैदा होती ये भावना है भावना तो फिर भावना को अपने व्यवहार में या कारोबार में कैसे भावना कभी कम ना होवे मतलब सुनो अच्छा बीबे को कहती है शार्ट में जवाब दो फिर सब पश्चिट करा रही है ठीक है आ? अच्छा जब भावना हाथ कहेंगे ना तो यहाँ हाथ लगाएंगे लगाएंगे ना दिल साफ है तो सच्ची भावना है में दिल में सफाई दिल की सफाई रखने का जिसको अक्ल नहीं है वो सच्चाई को नहीं समझता है सफाई दिल में क्यों नहीं है बुद्धि ठीक तरह से काम नहीं करती है बुद्धि ठीक तरह से काम करे तो एक तरफ बुद्धि ठीक तरह से काम करने से कभी डाउट नहीं उठ सकता क्वेश्चन नहीं उठ सकता बाबा हर बात का एक्यूरेट जवाब देता है जो मेरे लाइफ के अंदर अनुभव है जो भी बात कोई भी बात सामने आएगी। पहले से बाबा का जवाब है या रात को ख्याल आया सुबह को जवाब मुरली में है। जो मुरली का रेगुलर स्टूडेंट है अपन को स्टूडेंट समझता है उसके पास कभी डाउट उठा ही नहीं है न उठ सकता है ज्ञान इतना स्पष्ट बाबा देता है आत्मा को परमात्मा का ज्ञान और ड्रामा का ज्ञान कर्मों की गुज गति का ज्ञान इतना स्पष्ट ज्ञान है जो भावना मेरी अच्छी बन गई है बुद्धि ने भावना को भी श्रेष्ठ बना दिया है अपने प्रत चाहे सबके प्रत तो भावना दिल की है बुद्धि समझ से निश्चय वाली बनाना जिसमें आत्मविश्वास भी, भी बैठे आत्मविश्वास में परमात्मा है विश्वास में तो आत्मविश्वास पक्का है क्यों आत्मा को पता चल गया मैं बाबा की हूं गलत पहले वाली हूँ खुशी बहुत होगी शक्ति बहुत होगी ऐसे नहीं होगा मैं किसी मजबूरी से चल रही हूं नेवर भावना ऐसी है कोई मजबूरी से किसके कैरियर अनुसार नहीं चल रही हूँ या अपन को मजबूरी से नहीं चला रही हूं परंतु तो जो बात है बड़ी खुशी से एक्सेप्ट कर रही हूँ अपने पार्ट को ऐसे मियाँ मिठू समझ के भी नहीं कहती मेरा अच्छा हो मेरा पार्ट अच्छा है रियली जो पार्ट जैसी आज के संसार को जरूरत है वो परमात्मा बाप के जो हमारा डायरेक्टर है ड्रामा का डायरेक्टर उसके इशारे अनुसार चल रही हो बुझी तो चाहिए बाप के न सिर्फ नसब न सिर्फ श्रीमत पर गुप्त इशारे समय अनुसार वो दे रहा है जो आवश्यक है जैसे मुझे चला रहा है उसमें मेरी पर्सनल कोई चिंतन भी नहीं है कोई चायस भी नहीं है तो भावना की परिभाषा ये कहेंगे कि अंदर की हमारी जो फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स, तो वो फीलिंग्स इस अनुसार जैसे आपने बताया इस अनुसार हमारी फीलिंग्स अपने आप काम करती हैं तो फीलिंग्स जो है ना, कभी इसमें टोटल हमारा ज्ञान मार्ग में चलना है मार्ग हम है। हम पहले बड़े ये हमारा शुरू शुरू के पर्सनल जो है ना ज्ञान मार्ग है। भक्ति मार्ग है। कोई भक्ति मार्ग में चल रहा है कोई ज्ञान मार्ग में रास्ता रास्ता शुरू कर दिया जाने का उसमें मुझे जानना है क्यों भक्ति ज्ञान मार्ग में क्यों आई किस लिए आई समझा ये विकारी कर्म बंधन जो है ना वो कट जाए पुराने अन्य जन्म जो किए विक्रम है ना विनाश हो जा रहे इसलिए ज्ञान में आई ना अभी कोई भी मेरा हिसाब किताब भी न रहे मैं ऐसी आत्मा शुद्ध आत्मा आदि अनादि अनादि हूं ईश्वर की संतान आदि हूं ब्रह्मा बाबा की संतान ब्रह्मा बाबा की संतान श्रेष्ठ ब्रह्म आत्मा मैं सुस्ता बन करके अभी देव पद सतयुग में है फिर स्वरूप स्थिति अभी आएंगी इसलिए मैं मार्ग में चली हूं तो मैं ज्ञान मार्ग में चली हूं कहां तक रास्ता पार करके कहां तक पहुंची हूँ सदा ये ध्यान रहे कि कहां तक से कहां से कहां चली हूं कहां तक पहुंची हूँ जो बाबा बहुत काल की पहले की बात है बच्चे ऐसे फीलिंग है जैसे सिद्धि में के सद पंध कोई बुलावे ना हाँ सुनाई पड़े जैसे बाबा शांति धाम में रहने वाला हम बाबा के पास हाजिर है स्थलीय में चल पड़ी हूं ना पंध बीच में मैं कहा रुकती हूं या कोई रोकता है दोष किसका रोकने वाला का नहीं है रोकने के लिए कई बातें आएंगी पर मैं रुकने वाली नहीं हूं मुझे जाना है जाना है किस स्थिति में रहना है ये है भावना वाली लगन वो लगन है जैसे योग की अग्नि, वो हमको इतना पावन बनने मदद करती है आगे बढ़ने में खींचती है जो बाबा खींच रहा है या मेरी लगन खींच रही है दोनों का कट्ठा है अगर मेरी लगन की कमी है काल लगा हुआ है तो लगन और लग नहीं रह सकता तो भावना मेरी ये है मुझे लगा मुक्त बनना है भावना में तभी तो मैंने एक जो मैं विचार है मैं पढ़ के सुनाऊं कोई बच्चे पूछते हैं बाबा कर्म आती थी, थी बाबा ने 91 वन चौथा महीना छ तारीख मुझे याद है सुनो सवेरे सवेरे ऐसी बाबा ने बोली चलाई है ऐसा समझाया है जो आज भी मैं ये पुरुषार्थ करूं ना दिल से तो बाबा जो आज कहते हैं तुम्हें दिल तक, -तक के मालिक हो तो मेरे दिल में बैठे हो मैं तुम्हारे दिल में बैठा हुआ हूं वो अनुभव कर सकते है भावना है ये भावना में सच्ची लगन लगाव मुक्त रहने की प्रैक्टिकल देखना मेरा कहाँ पर भी न स्थान से न व्यक्ति से न वैभव से न किसे कर्म में हूं संबंध में हूं लगाव मुक्त भावना मेरी अप्रिली भावना बाबा कहते हैं तो सच्ची भावना रखो तो शक्ति देता है देता है बिल्कुल ये सब जो बातें आपने सुनाई मैं समझती हूँ सभी कहेंगे कि सभी यही चाहते हैं क्या? ठीक है ना आपने ये सब जो बातें सुनाई आ? मैं समझती हूँ सभी कहेंगे हम सभी यही चाहते हैं पुछ। चाहते हैं ना फिर भी फिर भी अभिमान ऐसे जैसे हमको पकड़ के बैठ जाता है जिसमें क्रिटिसाइज करना या, या अपना ओपिनियन हो अपना विचार हो कॉमेंट्स करना जजमेंट करना ये सब जल्दी जैसे हमको पकड़ के बैठ जाता है चाहते हैं हम सब सुनु, सुनु, ये भावना है हमारी फिर भी फिर भी ये सब बातें हमको पकड़ के बैठ जाती है तो हम जानते हैं कि इस प्रकार का अभिमान बहुत नुकसान कारक है फिर भी हम अभिमान को खत्म क्यों नहीं कर पाते हैं भावना भी है इच्छा भी है नहीं। भावना में अच्छा शब्द जब कहती हो ना इच्छा शब्द जब कहती हो ना समझे इच्छा जो कहती हो ना अभी मैं अपने आप से आप साखी हर बात के मैं एक प्रैक्टिकल कोई बात को भी पुरुषार्थ में लेकर के सफलता नहीं हो तो मैं विधि बताती हूँ समझो जो भी बात मेरे पुरुषार्थ में मुझे ध्यान पर आती है जैसे आपको बताया होगा मैं फीलिंग्स मेरी कैसी हो कम से कम छह महीना बहुत ध्यान रखा अभी भी ध्यान है मेरी अंदर की फीलिंग्स में किसी प्रकार की भी जरा सा कोई भी आत्मा के प्रत ऐसी कोई भी बात उत्पन्न हो सक नहीं हो सकती नहीं हो सकती क्योंकि बाबा की मेरे प्रत इतनी श्रेष्ठ भावना है जो इतना उठा उठा करके मैं कोई इतनी काम की नहीं थी पर संकल्प ये रहा है बाबा के काम की रहू बस ये संकल्प रहा है और कोई इच्छा नहीं है मैं बाबा के काम की रहूं चीज संकल्प ने आज आप सबके बीच में बिठाया है यह है भावना भावना ऐसी रखी है मैं बाप की जो मेरा बाबा एक बुढ़ा बाबा दूसरा बिंदी बाबा दोनों के लिए प्राण उसने हमारे जीवन देने के लिए जीवन बचाने के लिए कितना हमारे पर ध्यान रखा है क्या मैं इन दोनों बाप की क्या बात मैं ध्यान पर ना रखू उनके सामने मैं उनके काम की ना बनू तो लाइफ क्या है ये जो अंदर में अंदर अपने फीलिंग में अच्छी इतनी जो बाबा की है बाबा हर बच्चे को प्यार करता है मेरे मन में भूल ये बड़ी भूल हो जाएंगी किसी आत्मा के प्रति घिर ना रखना भले कैसा भी हो भले खराब काम किया हुआ हो मुझे पता भी हो लेकिन उसमें सूक्ष्म विधि ये है जो एक बार यहाँ लेटेस्ट क्लास कराया था क्लास नहीं कराया तो जो मेरी अंदर की अंदर अपने आप को सेफ रखने के लिए साफ रखने के लिए जो विद्या अपनाई है ब्रह्मा बाबा सब कुछ समझाते अच्छी तरह से अमृत वेले से ले करके रात को 11 बजे तक गुड नाइट करने तक हम बच्चों को कितना पालना देता है पर आता है ध्यान रखता है सब कुछ करता आ रहा है हमने आंखों से देखा है अभी भी साकार अव्यक्त होकर भी कर रहा है हमारे पर ध्यान रख रहा है इतना सब बाबा कर रहा है और सब करके तो न्यारा इतना है जो किसी की भूल सुनता भी नहीं है एक बारी मैंने किसकी सुनाई किसकी भूल सुनाई तुम्हारा क्या जाता है तुम्हारा क्या जाता है तब से कभी नहीं सुनाई होंगी इसने ये किया मेरा दोष है वो जरूर सुनाएंगी जरूर सुनाएंगी एक बारी पत्र में लिखा फिर दूसरा रूबरू आई बाबा मेरे से ये गई। बच्ची पत्र में लिखा ना दोबारा क्यों रिपीट करती हो इतना प्यार से कहा मैंने बाबा मैंने भूल हुई ना मैं रूबर सुना हूं नहीं, तो तो नहीं बच्ची तुमने लिखी ना तो भूल जा इतना प्यारा बाबा है सच्ची दिल से बाप को अपनी बात सुना करके एक ऐसी बात होती है एक भूल करे दूसरा छिपाए ये भी बाबा देख रहा है बच्चा भूल कर रहा है छिपा भी रहा है ये बाबा देख रहा है पर फिर भी बाबा प्यार दे रहा है अभी मेरे और शिव बाबा कहते मैं तो कल्याणकारी हूं आता ही संगम पर हूं मैं तो पतित पावन हूं मेरा काम है ये करना टाइम पर ये करता हूं जिसको ऊंच बत पालना हो भले पाए जिसको शांति धाम में आना हो मेरे साथ चले मैं साथ लेके जाऊंगा मैं साथ लेके जाऊंगा पावन बना के लेके जाऊंगा मेरा ये काम मैं कर रहा हूं पर जो नहीं बनते पर बाबा क्या करता है दोनों बापरी मैं बीच में टिंटी करती रहूं ये ऐसा करते जैसा करते जैसा मैं अपनी प्रार्थना का मांग लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात है दादी इस इस धारणा के लिए हा? इस धारणा के लिए हा? हम बहुत करके ध्यान रखते हैं और सबके साथ अच्छा व्यवहार होता है बहुत करके अ, अच्छा एक अच्छा किसको कहती हो जरा भी तेरे मूड में मैंने इतना जिसको समझाया ये सही नहीं समझती है ये तो इसका बहुत देखा है ये अच्छा है क्या व्यवहार <laughs> नहीं कहने का मतलब कि कोई एक ही होता है या दो होते हैं जिनके साथ थोड़ा हिसाब किताब है ये भी तेरी कमजोरी है यानी आपकी कमजोरी है जो एक समझो दस के साथ अच्छा चलती हो सला भाई सब प्राइवेट बैठे पब्लिक है तो प्राइवेट है, तो है।, ना। है ना। <laughs> सबके साथ यही बातें है ना आ, समझो अभी आप जो आपसे अच्छा चलते है आपको इज्जत देते है आपकी बात मानते है समझा तो कहती भाई देखो ठीक है ना? ना ना, ना, ना 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 इस नहीं के जो मानते है इसकी बात नहीं करते अच्छा, अच्छा, अच्छा कोई अपने कोई अपने नेचर अनुसार पक्का है नहीं चेंज होता है तो क्या होता है क्या होता है लेकिन तो उसके कारोबार में उसकी नेचर अनुसार है। आपकी भी जो नेचर है ना थोड़ा थोड़ा सा रूप बदलने की वो भी काम करने लग पड़ती है ना। तो यही तो बात है ना एक, एक दो के साथ ही ऐसे होता तो है तो एक दो के साथ हुआ किताब के कारण भी एक दो के साथ हुआ माना तो मैं अपने दिल को अच्छी भावना वाला बाप को फॉलो कर बाप सामान बनने का भूल गई हो तारी कहना सहज है ना ऐसे तो कहना सहज है इसमें पर आता है इसमें पर आता है ये अगर ये कहेंगी कहना सहज है प्रैक्टिकल करना थोड़ा सा थोड़ा सा कमी रही नुकसान किसको पड़ा हमको पड़ा फिर नुकसान पर है ना तो ये, तो ये भी ये, तो ये भी रियलाइजेशन तो हो ये भी आपने कह दिया कहना सहज है करना पर मैं मैंने अपने आप को कहा है मैं न करूंगी तो कौन करेगा मुझे करना है अगर इसमें अपना कान पर करके अपन को सुधारने के लिए ये सुधरे उसमें टाइम लगेगा मैं सुधरू तो आज सुधर जाऊं मैं औरों को सुधारने में जो टाइम दू संकल्प चलाऊं अपनी भावना को अच्छी समझो भावना मेरी बदल जाए पर ये बदलेंगी नहीं मिक्सचर है मैंने बहुत समय किया है ये जो संकल्प है अंदर वो तो मेरी भावना को अशुद्ध बना रहा है मेरा नुकसान है भले मेरे कान में कानों ने या आंखों ने कई बातें देखी या देखती भी है पर अंदर ने लेना नहीं है अंदर जो लिया ना तो वो हमारे संस्कार में चली गई वो मेरी मेरी नेचर बन गई ये बड़ा बहन है महीन परंतु तो सच्चाई से समझदारी से इसमें अगर ध्यान रखा तो समझेंगे भाग्यवान है भाग्यवान तो क्या ऐसा मिसाल बनने से औरों को भी लिए इजी हो जाएगा जैसे ये सबके साथ चल सकते मैं भी चल सकती हूँ हमारे सामने मामा बाबा का मिसाल है दादी का मिसाल है दादी का चलो मामा बाबा को, को कहेंगे, में नहीं देखा पर कोई ऐसे, कोई ऐसे बाबा के बच्चे है ऐसे है भले फाइव परसेंट होवे जैसे मामा बाबा को देखा है कभी नहीं कहेंगे मामा बाबा को नहीं देखा था नहीं बुली से बाबा से श्रीमत के आधार से जैसे बाबा ने चला है और ये भी मेरे पास जवाब है मम्मा बाबा को जिन्होंने देखा आंखों से देखा वो भी बाबा की बोली में आज भी सुन रहे हो माया ऐसी है जो आज कहेंगे बाबा बाबा कल कहेंगे हम जा रहे हैं इसलिए अंदर से अपने आप सच्चा पुरुषार्थी जो बाबन का तीव्र पुरुषार्थी दृढ़ संकल्प से पुरुषार्थ में बाबा के साथ का अनुभव करते जिसको ये रस बैठता है ना वो कहेगा नहीं कहना सहज करना मुश्किल है ये बहुत 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 अपने आप को जैसे कि हेमत बच्चे मदद बाप के सौदा जो है ना कैंसिल कर रहे हैं हाँ बाबा के मत, हो जाएगा अभी मैंने एम रखी है सब ठीक हो सकता है फिर देखो बाबा कैसे मदद करता है हर एक अच्छा लगेगा सब जगह सारे पान मिलेगा नहीं मिला ना धीरज रखो बाबा का काम रह नहीं जाएगा काम इतना सब बाबा का काम बाबा का सफल इतनी सारी हुई है किसने नहीं किया बाबा ने कराई है अंदर से अपने फाउंडेशन को इतना मजबूत बनाना है सारी विश्व का उद्धार करने के लिए बाबा ने निमित बनाया है हमको उदाहरण मूर्त बनना है समझा उदाहरण मूर्त बनना है तो बैठ करके अपने आप को ऐसे ओके ओके और कुछ कहना है नहीं भले भले बोलो इनमें से भी कोई क्वेश्चन पूछे भले पूछे पहले आप पूछो भले लास्ट uh, में ये है कि अभी इस समय आप हम सबसे क्या चाहते हैं किसी ने प्रश्न पूछा है अभी इस समय आप हम सबसे क्या चाहते हैं आप हम सबसे क्या चाहते हैं मैं क्या चाहती हूँ अरे ये कोई क्वेश्चन है अच्छा मैं साथ तो, में अच्छा, एक बात एक, एक, अच्छा, एक, 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 एक बात साथ में एक मधुबन के भाई ने कहा कि जब भी वो आपसे दृष्टि लेते हैं तो आपसे लाइट लाइट का अनुभव होता है जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए तो जैसे लाइट लाइट का अनुभव सबको होता है होता था ऐसे आपसे दृष्टि लेते हुए जैसे लाइट लाइट का अनुभव होता है तो आप उस समय क्या सोचते हो या क्या अनुभव कर रहे हो चाहे अमृत वेले के बाद है या अभी है तो आप उस समय क्या फील करते हो या सोच समझ गई आपके क्वेश्चन को तो मेरे अनुभव समझो मेरी दृष्टि नहीं है पर मेरी भावना है जैसे मैं यहाँ पांडव भवन में छी छह महीना मधुबन हो गया है छह महीने से ज्यादा हुआ है अभी समझा इतना अच्छा जो बाबा से पाया हुआ है वो जैसे लगता है मेरे लाइफ में है लाइफ में है तो दिल में ये भावना है सभी ऐसे लाइट लाइट रहे अभी मैं दस पंद्रह मिनट सिर्फ बारह मिनट होता होगा पंद्रह मिनट भी नहीं होता होगा सुबह शाम जब राउंड लगाती हूँ सारे अपने मधुबन को वंडरफुल अनुभव होता है तो मेरा दिल कहता है अब भी अगर यह अनुभव किया तो दुनिया आज भी मैंने गुजरात दादी को बोला मुझे लगता है टाइम बहुत हो रहा है अगर अभी सब ने ये अनुभव शुरू किया ये साक्षात्कार यहाँ के लाइट लाइट का साक्षात्कार सबके ऐसी स्टेज का साक्षात्कार कोई एक भी मुरझाया हुआ न रहे मूंझा न रहे मूंझा और मुरझाया हुआ एक भी न रहे तो अभी अभी विनाश आ जाए डेट मांगता है अभी विनाश अभी हम सब मिल करके घर चले ये अगर तो मेरे से कल रात को जैसे क्वेश्चन पूछा क्या समझो आपके अनुभव से क्या उनको अनुभव होने लगेगा मन का ये नहीं बोलो ना। कि बाबा मामा का अनुभव की शक्ति सारे मधुबन पांडव भवन में पांडव भवन से ज्ञान शांति शांतिवन में इतनी जो वातावरण में इतनी जो ताकत है अगर हम बच्चे उस ताकत को जान करके अगर ये यूज हम ना करेंगे कौन करेगा हम यूज करेंगे तो दुनिया को ये सब ऑटोमेटिक जो वाइब्रेशन बाबा ने बोले है मुझे कल गुलजादा दादी में पंद्रह मिनट जो जो पंद्रह मिनट किया होगा वंडरफुल लगा ऐसे जैसे ऐसी चमक रही है ये हमारे अंदर भावना हो मैं बार 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 अंदर से बाबा के पास बैठूं या बाबा के साथ बैठूं पास बैठूं बैठू बताए ना जिस गद्दी में बैठे बाबा पास बैठे बाबा कहा बाबा सारी सभा में आ जाता है पर्सनल भी आ जाता है योग लगाने की जरूरत तो नहीं है ऐसे योग क्यों लगाए थक जाता है खा रहे हैं बाबा का सुन रहे हैं बाबा से बाबा हमको हर प्रकार के निश्चिंत रहने की राजा ही दी है किसी को कोई फिक्र नहीं है परंतु कोई न कोई अपने स्वभाव संस्कार वस, या व्यर्थ संकल्प के जाल में फंसे हुए हैं जिससे वातावरण खुद के इतने इतने ऊंचे वातावरण का फायदा नहीं उठाते हैं नहीं तो इस वातावरण का हम जब मधुबन आती थी बस दो दिन भी रहेंगी मधुबन में ना इतनी ताकत मिलेंगी इतनी ताकत जब बाबा गुरु में जाती हूँ बाबा खटिया पर बैठती हूँ दो मिनट वहां बिठा के बाबा छुट्टी देता था वो ताकत जो सारी सेवा में काम आई है अपनी लाइफ में काम आई है और सब बातों को छोर पूछती हो न मैंने कभी कभी आपको पता है बाबा ने कहा नष्ट हो तो आप लोगों में से ब्रेन कौन बहुता होगा कितना मेरा मुंह है इसमें है ब्रैंड है? है ऐसे भाई अभी सब भाई ब्रायन मुंह तो दुखाओ सबको मैं कौन हूं सारे सभा में आप अपन को देख सारे सभा में अपन को देख आप जैसा भाई मेरे को मिला हुआ है क्या मैं क्या सोचेंगी ये एक भाई की सूरत बाबा की मूर्त का साक्षात्कार करा सकती है अगर सिर्फ दिल में जो बाबा ने बिठाया है हम बच्चों को बिठाया भगवान ने दिल में हम बच्च... वंडरफुल ऐसी मूली कभी नहीं चली है भगवान कहाँ है बच्चे कहते मेरे दिल में है भगवान से पूछो बच्चे कहाँ है मेरे दिल भगवान के दिल में है दिल वाला मंदिर है अभी बाबा का इतना हमारे लिए दिल ऐसी और हम बच्चे दिल में और कुछ बात रखते हैं कितना अपने लिए नुकसान है तो मेरे से थोड़ा बहुत कभी आंसू आपको दिखाती नहीं कैसे बात हूं कैसे बहाती हूँ कभी आते हैं ये समय न गमाए। गमाते ये नहीं, न गमाए, जल्दी समझ जाए ये विश्व कल्याणकारी बाबा के बच्चे हैं, बस अपने आप को समझ के कोई बातों के बीच में नहीं आओ कोई चिंतन में ना ये ऐसा होना चाहिए ऐसा ना होना चाहिए अरे तुमको जो कर लेना सेवा यज्ञ की शेवा है ना बाबा की सेवा है ना तुम्हारा भाग्य है ना कर लेना सेवा जरा सा भी अभमानवश सेवा करने के बजाय ये ये ठीक नहीं है ये ऐसा नहीं होता है ऐसे नहीं अरे थोड़ा टून तू मीठा दे जैसे दादी मीठी है ना हमारी सारे सबको अनुभव है मीठी दादी मीठी दादी कभी दादी ने करवा नहीं बोला है आज बाबा कहते करवा मत बोलो सभी हम कभी ध्यान रखें मैं करवा ना बोलूं इतना तो अब कुछ करे चलते फिरते पुष्कराऊ तो सही ना तो ये यज्ञ सेवा ये यज्ञ सेवा है भले कोई भी काम कर रही हूं पर सेवा ये है भी न रहूं मुरझाऊ नहीं यहां जो सामने बात है अच्छी है ठीक है ओके ओके लाइट तो क्या डबल लाइट तो क्या ट्रिपल लाइट बनना है लाइट रहेंगे दैयमान स्थिति से डबल लाइट रहेंगे बाबा की शक्ति से ट्रिपल लाइट रहेंगे निष्काम सेवा से निष्काम सेवा करते चलो तो सेवा ने मैंने नहीं की बाबा ने कराई फिनिश ओके थैंक 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 यू यू अच्छा लगता है बाबा को जो वो जूटी जिसके ऊपर होती है ना जैसे समझा एक मिनट बहन बहन समझो जिसके ऊपर जो जिम्मेदारी शब्द भी मैं नहीं कहती हूं जिम्मेदारी कभी कभी भारी कर देती है शब्द जिम्मेवार का जो है ना भारी कर देता है परंतु जहां मैं हूं एक्यूरेस बाबा की यादों में अच्छी सेवा जो धन लगा वो भी सफला हुआ समय लगा वो भी सफला हुआ जिसके संग शिवा वो भी अच्छा सफल हुआ तो ये जो है न भावना सफलता मूर्त बनने की और ये भी अंदर मेरी अच्छी ये ये आप ध्यान रखो जहां एक पांच पाउंड हो या पांच हजार पाउंड हो या पांच लाख पाउंड हो सफला हुआ निष्फल एक कोरी भी न जाए सफला सारा हो जाए ऐसा जो निमित बना हुआ बाबा का बच्चा है तो कल मैंने किसको बोला तो फीलिंग है मैं बाबा एक गोद का बच्चा हूँ एडोप्टेड बच्चा हूँ नशा है एडोप्टेड बच्चा हूं किसने मुझे अडोप्ट किया इस सर्विस में सच्चा सेवाधारी बन करके बाबा के दिल पर बैठा फिर नैनो पर बैठ के घर जाना है किसको ये बन है सदा ये गोद का एडॉप्ट भगवान ने करके मुझे राजा ही देने के लिए भगवान ने मुझे एडप्ट किया है मैं एडॉप्टेड बच्चा हूं सेवा सच्ची दिल से करके साहेब राजी ही है ओके okay. अभी इंटेल में नैनो में कुछ नहीं है बाबा के नैनो पर बैठ के घर जाना है तो अपने लिए चाहे सारा परिवार इतना अच्छा परिवार है यही भावना ना और ऐसा परिवार हम कहते थे बाबा बाबा सचु नहीं चाहिए हमको साकार सचु नहीं चाहिए हमको हमको संगम अच्छा लगता है बाबा और परिवार सच में थोड़ी तरह मिलन की मोजोंगी बाबा बाबा थोड़ी करेंगे वहां देवता पर अब भी ऐसी हो, जैसे बाबा कहते मेरे बच्चे एंजल समान सबकी सेवा करके हाथ धोने ऐसे से हो ऐसे हो गए सबके ऊपर हाथ ऐसे ऐसे ओके ओम शांति ओम